तो इस प्रकार से अंग्रेज़ों के बारे में बहुत सारी जानकारी है। बात कर लेते हैं भारत में फ्रांसीसियों का आगमन। भारत में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना लगभग 1664 ईस्वी में हुई। फ्रांस के सम्राट लुई 14वें के वित्त मंत्री कोलबर्ट ने के प्रयासों से भारत में 1664 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। फ्रांसीसी फ्रेको केरो ने भारत के सूरत शहर में 1668 में प्रथम फ्रांसीसी कोठी की भी स्थापना की। फ्रांसीसियों ने भारत में अपनी दूसरी व्यापारिक कोठी जो थी मुसलीपट्टनम में स्थापित की। 1673 ईस्वी में फ्रांसिस मार्टिन बेलांगर द लेम्पिस ने वल्लीकोंडपुरम में मुस्लिम सूबेदार शेर खां लोधी से एक छोटा सा गांव पुद्दुचेरी का स्वामित्व हासिल किया। ये पुद्दुचेरी वही है जो हमारी पांडिचेरी के नाम से हम जानते हैं। 1674 ईस्वी में फ्रांसिस मार्टिन ने इस पुद्दुचेरी गांव में वर्तमान पांडिचेरी की नींव डाली। फ्रांसीसियों ने पांडिचेरी का अपना मुख्यालय बनाया और पांडिचेरी के कारखानों के चारों ओर फ्रांसिस मार्टिन ने फोर्ट लुई नाम का एक किले का निर्माण भी करवाया। 1690 से 92 में फ्रांसीसियों ने चंद्रनगर की प्रसिद्ध कोठी बनवाई थी, जहां उन्होंने बस्ती का भी बसावट की थी। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले 1748 में भारत आया। फ्रांसीसियों ने भारत में अपनी शक्ति साम्राज्य का विस्तार गवर्नर ड्यूमा तथा गवर्नर डुप्ले के नेतृत्व में ही किया था। ये ड्यूप्ले बहुत फेमस है, इसको आप याद रखिएगा। 1742 में जब डुप्ले फ्रांसीसी गवर्नर बना, तब भारत में फ्रांसीसियों का राजनीतिक लाभ व्यापारिक लाभ से महत्वपूर्ण हो गया था। अब फ्रांसीसी अपनी शक्ति को बढ़ाएंगे और अंग्रेज भी अपनी शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं, तो यहाँ पर दो प्रकार के गुट, फ्रांसीसी और अंग्रेज, आमने सामने आने वाले हैं। तो भारत की भूमि जिसको हम कर्नाटक कहते हैं, कर्नाटक की वो भूमि है जो है भारत की, पर इस पे युद्ध लड़ने वाली जो दो कंपनियां हैं वो विदेशी हैं। तो आपके प्रश्न बन सकता है कि वो कौन से युद्ध हैं जिसमें भूमि तो भारत की उपयोग की गई है पर लड़ने वाले विदेशी थे, तो वो कर्नाटक युद्ध है। बात करते हैं प्रथम कर्नाटक युद्ध की, तो 1746 से 1748 में कर्नाटक युद्ध का जो पहला दौर था वो शुरू हुआ। अंग्रेजों और फ्रांसीसी व्यापारी कंपनियों के बीच यह युद्ध कर्नाटक के युद्ध के नाम से जाना जाता है। 1740 ईस्वी में प्रथम कर्नाटक युद्ध की शुरुआत हुई। प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले था। 1774 में 1744 ईस्वी में फ्रांसीसी सेना और कर्नाटक के नवाब नवरुद्दीन के बीच लड़ाई हुई, जिसे सेंट थॉमस के युद्ध के नाम से जाना जाता है। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 1748 का दौर ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के युद्ध से प्रभावित था। यूरोप, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच चल रहा था यह युद्ध उत्तराधिकार का। 1748 में एल्शा शापेल की संधि के द्वारा ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध समाप्त हो गया। इस संधि के साथ ही प्रथम कर्नाटक युद्ध भी भारत में समाप्त हो जाता है। प्रथम कर्नाटक युद्ध में फ्रांसीसी विजय रहे, किंतु वे अंग्रेजों के फोर्ट सेंट डेविस किले पर अधिकार न कर सके और उन्हें संधि की शर्तों के अनुसार मद्रास को भी अंग्रेजों को वापस लौटाना पड़ा। इसके बाद द्वितीय कर्नाटक युद्ध होगा जो 1749 ईस्वी से 1554 तक चलेगा। द्वितीय कर्नाटक युद्ध इसके बाद होगा और ये 1749 से 1754 ईस्वी तक चलेगा। द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो 1749 ईस्वी से 1754 ईस्वी तक हैदराबाद तथा कर्नाटक के सिंहासन के उत्तराधिकार के लिए शुरू हुआ था। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले और अंग्रेजी गवर्नर क्लाइव ने एक दूसरे के विरोधी गुटों को समर्थन देकर इस युद्ध को भड़का दिया था। इस युद्ध में फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले भले ही हार गया हो, और हारने के बाद इसको फ्रांस बुला लिया गया था। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले के स्थान पर गोडेहू भारत का अगला फ्रांसीसी गवर्नर बना। गोडेहू और ब्रिटिश कंपनी के बीच जनवरी 1754 में पौंडीचेरी की संधि हुई और इस संधि के साथ ये युद्ध समाप्त हो जाता है। इसके बाद तीसरा युद्ध होगा तृतीय कर्नाटक युद्ध, और 1756 से 1763 में ये युद्ध लड़ा जाएगा। 1556 ईस्वी में शुरू हुआ सप्तवर्षीय युद्ध का यह अंग था और इसको हम तृतीय कर्नाटक युद्ध कहते हैं। सप्तवर्षीय युद्ध के बारे में अगर बात करें तो ये फ्रांस ने ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में प्रशा को अपना समर्थन देना शुरू किया था और उस संबंध में भारत में भी दोनों सेनाएं लड़ गई थी। इसी कारण भारत में भी जो अंग्रेजी और फ्रांसीसी सेनाएं थीं दोनों युद्धरत हो गई। 1760 में सर आयरकोट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने वॉन्डीवॉश की लड़ाई में फ्रांसीसों को बुरी तरह से हरा दिया था। 1761 में पौंडीचेरी को अंग्रेजों ने फ्रांसीसों से छीन लिया। 1763 ईस्वी में हुई पेरिस की संधि के साथ सप्तवर्षीय युद्ध भले ही समाप्त हो गया हो, और पेरिस की संधि के तहत ही भारत में भी अंग्रेजी सेना और फ्रांसीसी सेना के मध्य संधि हो गई और अंग्रेजों ने चंद्रनगर के क्षेत्र पर अपना अधिकार जारी रखा।
और अन्य प्रदेशों को फ्रांसीसियों को लौटा दिया गया, जैसे पांडिचेरी लौटा दी, जो भारत की आज़ादी तक फ्रांसीसियों के अधिकार क्षेत्र में बने रहे। इसके बाद बात करते हैं अंतिम एक कंपनी की जिसका नाम है डेनमार्क। तो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में 1616 ईस्वी में आई थी। डेनिश कंपनी ने अपनी बस्तियां त्रावणकोर तमिलनाडु में 1620 ईस्वी में तथा श्रीरामपुर बंगाल में 1676 में बसाई थी। 1845 ईस्वी में डेनिश कंपनी ने अपनी सारी संपत्ति अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को बेच दी और डेनमार्क लौट गई। स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1731 में हुई थी। इस कंपनी का व्यापारिक संबंध मुख्यतः चीन के साथ ही रहा था। तो इस प्रकार से भारत में आने वाली सभी कंपनियों के बारे में हमने साधारण सी जानकारी प्राप्त कर ली है। कोशिश करूँगा कि आपको बहुत ही शॉर्टकट में समझा सकूँ, इसीलिए ये ऑडियो लेक्चर वाली क्लास है। आप हेडफोन लगाइए और इसको बहुत शांति से बैठकर एक या दो बार सुन लीजिए, आपको ये पूरा टॉपिक याद हो जाएगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय।